YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें। बताइए कि जो इन्होंने लोगों ने हाथ, क्या आपको और यहाँ पे लोग ऐड करने चाहिए स्वीपर कॉपरेशन में? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि और भी यहाँ पर सफाई साथियों की ज़रूरत है। जैसे ही हमारा ये 1200 सफाई साथी लग जाता है, उसके बाद में हम फिर इसी तरह पर गवर्नमेंट के साथ, चाहे हमें लड़ाई करनी पड़े हम लड़ाई करेंगे, और अपने जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम है, जैसे कि शहर बढ़ चुका है, हम और मुलाजम जो है उनको ग्रोथ बढ़ाएंगे। सर आप मुझे बताइए कि आपने बोला 600 लोग, क्या कब आप उनके फॉर्म निकालेंगे? सर 600 लोग जो परमानेंट करने हैं, वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया कि वो 17 तारीख को 4 बजे के करीब वो उनकी जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट यहाँ पर लग जाएगी। हमारे साथ ये अगर आप हमारे मीडिया पेज पे देख रहे हो, सिविक सफाई कर्मचारी जो के प्रधान है उनके रिंकू गिल जी, कितनी बड़ी जीत हुई आज, कहीं ना कहीं इन्हें एक हरी झंडी दिखाई दी है और एक लंबा संघर्ष था। रिंकू गिल जी, कहीं ना कहीं आज लगता है आप लोगों की जो तपस्या, आप लोगों की मेहनत आज रंग लाई। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और अपनी टीम की ओर से उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। तो आज की जो हमारे मुलाजमों की जीत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनियन की जीत या रिंकू गिल की जीत, आज जितनी भी बैठो, वो सारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि हमारा एक परिवार है, उनकी जीत है, जिससे कि आज 600 लोग जो कि काफ़ी पुराने समय से हमारी डिमांड थी, और आज उस पर डिसीजन हो चुका है कि 600 लोग जो है वो परमानेंट कर दिए हैं, और 17 तारीख को उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लगाई जाएगी। तो ये आज बहुत खुशी का दिन है। तो मैं अपने जितने भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ जो कि कैजुअल जिनके 2017 में फॉर्म फिल हुए थे, तो आज ही हमारे कमिश्नर साहब ने वो रिकमेंड किया हुआ है गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आपका वो जो 600। मुझे बताइए कि यहाँ पे मैम ने आपको कुछ बोला, 2005 से क्या कर रहे हो आप? काफ़ी पुराने मुलाजिम लगे हुए हैं जो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। यस सर। तो इनके कहने के मुताबिक सरकार ने आश्वासन दिया कि 17 तारीख को, मुझे लगता है ये अभी को रिटर्न में हमने कुछ नहीं देखा, जब तक हम रिटर्न में नहीं देखेंगे हम सच बोल नहीं सकते। अभी इन्होंने कहा है कि सरकार ने कहा है, रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आज में इनको सपोर्ट नहीं आया, जब तक रिटर्न में नहीं आ गया तब तक हमें इसको मानना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अभी जबानी काम है, जब तक इनका काम हो नहीं जाता ये तो सिर्फ धरना मेरे क्या तोड़ने के लिए होता हमेशा आ रहे हैं कुछ। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ खेल है, क्योंकि जब तक पूरा रिटर्न में नहीं आ जाएगा ये तो जुबानी से कोई बात नहीं बनेगी, यानी कि जुबानी काम चल रहा है। जब तक रिटर्न में आएगा, रिटर्न में लिख के देगी सरकार, साइन करके दे एलजी साहब कुछ लिख के देंगे, तभी उसको माना जाएगा। अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा है, ये अभी लगता नहीं है मुझे, ये अभी जो ये कह रही है उसके मुताबिक जो काम होगा, क्योंकि ये तो अभी जुबानी है। ठीक है मैम, आप 5 सालों से काम कर रहे हो, क्या बोलना चाहोगी? मेरा नाम आशा है, मैं 26 वार्ड से हूँ सुभाष नगर में, और 2005 की लगी हूँ। आज तक 200 में मेरा नाम आया, जब अभी तक मुझे नहीं टेलीविजन किया, और आज तक मैं टेलीविजन के प्रोजेक्ट पे ही हूँ, मेरी आवाज़ ऊपर तक जाती है। मैम जब भी मैं आवाज़ उठाती हूँ तो बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा। मैं 2005 की लगी हूँ, हाथ भी देंगे। ये 2000 की 5 की लगी हुई यहाँ पे मुलाजिम है हमारे साथ, ये इनसे बातचीत, इसका नाम आशा है। मेरा नाम आशा है, मैं 26 बार 2005 की लगी हूँ। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे, देखिए लोग कितने हड़ताल कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए।